सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा बेस जो हेडफोन आते हैं ऑनलाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में है। मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी आपको ये बहुत ही ट्रेंडिंग में नज़र आते हैं। तो आज मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इनका फीडबैक दूंगा मैं, इसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, आप इन्हें इनके वायर की क्वालिटी, इनका माइक की क्वालिटी, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहें और अभी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे मीशो से मंगाया है। इसकी प्राइस मुझे 180 रुपीज़ पड़ी थी, 180 रुपये में ये मुझे पड़ा था। मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया था लेकिन ये ब्लू कलर में आया है, ये एक प्रॉब्लम हुई है। दूसरी बात दोस्तों, मीशो से जब ये डिलीवर हुआ तो ये टूटा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है और इस साइड भी ये टूटा हुआ था। यहाँ पर फेविक्विक से चिपकाया गया था थोड़ा सा, ये देखिए। तो इस तरह से मुझे मिला है टूटा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इसे ट्राई करने के लिए रहने दिया है, बाकी मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। तो ब्लैक कलर मंगाया लेकिन ब्लू आ गया, थोड़ा टूटा हुआ भी आया है। लेकिन दोस्तों, मैंने जब इस पर फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, जब मैं गाने सुन रहा था, फ़ोन आया, मैंने रिसीव किया, तो इसका जो माइक है उसमें से आवाज़ नहीं जाती है सामने वाले को। तो इसका माइक भी बंद, मतलब माइक भी इसका ख़राब आया है। जब हम फ़ोन पर बात करते तो आवाज़ नहीं जाती। उसके बाद जब मैंने म्यूज़िक प्ले किया, उसके बाद ये बटन जो है, तो ये बटन से मैंने जब म्यूज़िक को पॉज करने की कोशिश की तब भी म्यूज़िक पॉज नहीं होता था, मतलब गाना रुकता नहीं है, ये बटन भी काम नहीं करता है। इतनी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आई है, मीशो से मंगाया है। दोस्तों, अगर आप इसे सोच रहे हैं कैरी करके कहीं पर भी घूमने को जाने की, ट्रैवल करने की, तो उसके लिए ये नहीं बना है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। दिखने में काफ़ी अच्छा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही लो मटेरियल की, प्लास्टिक की है। तो ये अगर आप इसको बैग में रखने की सोच रहे हैं कहीं पर भी, तो ये आराम से टूट जाएगा। अगर आपको इसे कहीं ले जाना है तो आप इसे इस तरह से अपने नेक में होल्ड कर ले जा सकते हैं, तो ये सेफ रहेगा। बाकी बैग में अगर आप इसे रखते हैं तो डेफिनेटली ये टूट जाएगा, बहुत ही लो क्वालिटी की इसकी प्लास्टिक है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आपको ये 200 रुपये के, 200 या 220 के अंडर में मिलता है, उसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मुझे 180 में पड़ा है। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बेस भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। और एक इसकी खासियत ये है कि ये लाइट वेट है। कुछ लोगों को हेडफोन पहनते हैं तो सर में दर्द होने लगता है, मुझे भी होता है, 5 मिनट में ही सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो हेडफोन थोड़े हैवी होते हैं। ये दोस्तों वैसा नहीं है, लाइट वेट हेडफोन है। इससे मुझे थोड़ा पेन हुआ था, थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं होता है जितना दूसरे हेडफोन्स में होता है। तो अगर आप हेडफोन लेने की सोच रहे हैं तो लाइट वेट लीजिए। अगर आपका सिर में दर्द होता है हेडफोन से, इन्हें हेडफोन नहीं, इन्हें हेडसेट कहते हैं, तो कोई भी हेडसेट से अगर आपके सिर में दर्द होता है तो आपको लाइट वेट हेडसेट लेने हैं इस टाइप के। ये सोनी की कॉपी है, आप सोनी का भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा है लेकिन वो। तो ये एक इसकी खासियत मुझे लगी कि इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, ओके, ये एक अच्छी बात है। और साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, 180 या 200 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। और जो छोटे ईयरफोन आते हैं उनका बेस और इसका बेस, ज़मीन आसमान का फ़र्क आप देख सकते हैं। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए आप इसे ले सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या फिर कुछ दूसरे काम के लिए तो नहीं है, लेकिन सिर्फ म्यूज़िक सुनने के लिए, अगर आपका यूज़ उतना रफ़ नहीं है, अगर आप संभल कर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे ले सकते हैं।